दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में हेल्पर बॉय आयुष राज। और आज हम बात करने जा रहे हैं जो प्रिंटर जिसका नाम है इप्सन पीएम 520 फोटो प्रिंटर। मैंने पिछला वीडियो बनाया था इसके बारे में जो कि इतना क्लियर एंड अच्छा नहीं था, इसके लिए मैं दोबारा आप लोग के लिए नया वीडियो बनाया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरा प्रिंटर ओपन हो रहा है, इसका मैं इस वीडियो में बैटरी क्या है और इसका इंक क्या है और एक बार में कितना प्रिंट करता है, ये सब बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आप आ गए हैं हमारे अनबॉक्सिंग टेबल पे और मैं अब इसका ये सबसे पहले पन्नी हटा रहे हैं और मैं इसमें अब लाइन दूंगा तो आप लोग देखेंगे इसका लुक कितना अमेजिंग है और ये फ़ोटो प्रिंटर कितना बेस्ट है जो कि मैं हो गया होगा 6 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसका वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, फिर से अपलोड किया हूँ, उससे बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश किया। सबसे पहले मैं बात करूँगा इसका इंक ख़त्म हो गया है जिसकी वजह से मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें अभी ऑप्शन आएगा इंक ख़त्म हो गया उसके, ये सब आप देख पा रहे हो। वाईफाई सेटअप है, प्रिंट फोटो जो है सेटअप है, इसमें बहुत सारी सेटिंग है जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा। अगर आप देख रहे हो लिख रहा है यू नीड टू रिप्लेस द इंक कार्टिज, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इसमें रिप्लेस करना बहुत ही ईजी एंड सिंपल है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अगर मैं ओके पे कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है रिप्लेस नाउ, रिप्लेस नाउ पर जैसे मैं क्लिक कर दूँगा यहाँ आ रहा है कि आर यू डू यू वॉन्ट टू रिप्लेस, तो मैं फिर यस करूँगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इसके बाद आएगा ऑप्शन, ये प्रिंटर यहाँ पे आ चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं रिप्लेस करना कितना ईजी है। सबसे पहले तो ये जो आपको दिख रहा है इसको ऐसे करेंगे सबसे आसानी से और कितना बेहतरीन तरीका से ये निकल गया। इसमें बहुत चीज़ मैं बात करूँगा, जैसा कि आपको मैं बता दूँ इसमें इसका प्राइस मार्केट में या फिर जैसा कि कहे 1100 रुपये पड़ता है और मैं अब इसमें अब इसको लगा देता हूँ और बाकी डिटेल अभी बताना, बहुत कुछ मैं इस वीडियो में सोच के रखा हूँ आप लोग के साथ शेयर करूंगा जो आप लोग ले या नहीं ले, लेना तो क्या क्यों नहीं लीजिएगा, प्रिंटर तो बहुत अच्छा है जैसा कि मैं आपको दिखा दूं। और इसके बारे में और कुछ मैं अब आपका बताऊंगा, जैसा कि सबसे पहले मैं बता दूं इसका नाम जो आप जानते होंगे इप्सन पिक्चर में पीएम 520 फोटो प्रिंटर है और प्रोडक्ट कोड है C11CF36502। जैसा कि मैं आपको इसका प्रॉपर्टीज़ बता दूँ, प्रॉपर्टीज़ ये है कि ये 4:6 वाला भी फ़ोटो प्रिंट कर सकता है और स्पीड की बात करें तो अप्रॉक्स 20 सेकेंड बहुत हो गया। जैसा कि हम मिनिमम इंक ड्रॉपलेट का बात करें तो 2 PL है और प्रिंट रिजोल्यूशन का बात करें तो इसका जैसा कि आप जान पा रहे होंगे 5760x1440 DPI है विथ वेरिएबल साइज। और दोस्तों जैसा कि हम प्रिंट स्पीड बात करें तो आपको जैसा कि मैंने अभी बताया था अप्रॉक्स 12 सेकेंड है। और पेपर हैंडलिंग की बात करें तो इसमें बहुत अच्छी ये है कि आउटपुट ट्रे कैपेसिटी 20 सीट्स है और इनपुट ट्रे कैपेसिटी 50 सीट्स है। और मैं इसमें बहुत सारी बात ये बताना चाहता हूँ, पेपर साइज़ इसमें आप जो जो लगा सकते हैं वो पेपर साइज़ आप लगा सकते हैं, 10x15 cm का पेपर साइज आप लगा सकते हैं इसमें ऐड कर सकते हैं और 13x18 cm और A5, A6, C6, DL सभी पेपर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि मैं इसमें और कुछ बहुत सारी चीज़ ये बता दूं, इसका डायमेंशन और वेट का डिस्कस कर लेते हैं। डायमेंशन मैं बता दूं कि 265 mm x 196 mm है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये इंक मेरे से लग नहीं रहा, फिर से मैं आपको दिखा दूँ ये कार्टिज कैसे लगेगा। तो इसमें सबसे पहले इसको थोड़ा अंदर क्योर करना होता है और इसको आप जैसे ही पुश करेंगे ये लग जाएगा। देखिए यहाँ पे लगने में थोड़ी दिक्कत कर, जी ये लग चुका है। अब इसको मैं क्लोज़ कर दूंगा और जैसे कि मैं इसमें बहुत कुछ अभी बताऊंगा इसका बैटरी और के बारे में, जैसा कि आपको मैं इसका डायमेंशन अभी बता दिया हूँ, अब मैं इसका वेट बताऊंगा। इसका वेट है ओनली 2.3 kg। और कनेक्टिविटी की बात करें दोस्तों तो इसमें आप USB 2.0 हाई स्पीड वाला यूज़ कर सकते हो और वाईफाई डायरेक्ट का भी इसमें ऑप्शन दिया है, सिंपली आप इसको मोबाइल से प्रिंट कर सकते हो। मोबाइल से प्रिंट करने के लिए आपको सबसे पहले यूज़ करना है इप्सन आई प्रिंट ऐप, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और सिंपली आप इसको मोबाइल से प्रिंट दे सकते हो। जैसा कि हम बात कर ले इसमें कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, कॉन्फ़िगरेशन में जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा SD कार्ड लगाने का, तो आप इसमें SD कार्ड आसानी से लगा सकते हो। दूसरा दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं ये जो इसमें बहुत अच्छा मुझे लगा, ये आप पेन ड्राइव से सीधे प्रिंट दे सकते हो। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये पेन ड्राइव लगाने का जो स्लॉट है वो आप पेन ड्राइव सीधे लगा सकते हो। तो और मैं इसमें बताना चाहूँगा कि इसमें बहुत से लोग ये पूछते हैं कि बैटरी नहीं है, इसमें दोस्तों मैं बता दूं कि इसमें बैटरी नहीं देता, आप ऊपर से बैटरी ऐड कर सकते हो। सिंपली ये बहुत ही पोर्टेबल, आप इसको कहीं आसानी से ले जा सकते हो, इसमें बहुत अच्छी अच्छी ये बात है। और पीछे की सीन देखा जाए तो पीछे भी और भी अमेजिंग लग रहा है और चारों बस इसका लुक कितना गुड एंड अच्छा लग रहा है, आप देख पा रहे होंगे हमारे स्क्रीन पर। और भी मैं इसके बारे में और भी कुछ आपको बता दूँ, इसका ब्रांड जैसे कि आप जान लेंगे इसका ब्रांड इप्सन है, सीरीज पिक्चर मेट है और कलर इसका ब्लैक है। आइटम साइज जैसा कि हम बात कर ले 20.3 cm है और आइटम वाइट बात कर ले तो 24.3 cm वो भी है। और जैसा कि मैं वेट का तो पिछले बार डिस्कशन कर लिया हूँ 3.8 kg है। और मैं इसमें बहुत सारी बात, जैसा कि आप लुक देख पा रहे हैं कितना अमेजिंग लग रहा है
और बहुत कुछ मैं इसमें बता दूँ। जैसा कि कुछ लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, हाउ मैनी प्रिंटेड वन कार्टिज, जैसे कि मैं बता दूँ वन कार्टिज में आप 300 प्रिंट्स प्रिंट कर सकते हो। और दूसरे किसी ने ये पूछा था मुझसे, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ कार्टिज, कार्टिज का प्राइस जैसा कि मैं आपको दोस्तों बता दूं कि 1051 ली लग रहा है, यानी कि 1050 रुपया। और दूसरा ये क्वेश्चन था भाई, तीसरा ये क्वेश्चन था, हाउ मैनी ईयर्स वारंटी इन दिस प्रिंटर, तो जैसा कि मैं बता दूं इस प्रिंटर में 1 ईयर वारंटी है, सर्विस सेंटर से आप जाके रिप्लेस कर ले सकते हो। और इसमें मैं बहुत कुछ आपको ये बता दूँ कि जैसा कि आप इसका पीछे का सीन देख पा रहे होंगे, तो पीछे देखिए पीछे कितना अमेजिंग है। और पीछे का सीन में अगर मैं पीछे भी आपको दिखाई देता हूँ, पीछे में क्या, पीछे में देखने के लिए सबसे पहले इसको ऐसे करूँगा, क्या है पीछे में, तो चलिए पीछे का सीन भी देख ही लेते हैं। इसमें ये इसको क्या बोलते हैं, उसका अनवांटेड वो लगता है जिसमें से, तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये जो स्लॉट है मुझे लगता है यही बैटरी के लिए। जैसा कि मैं इसको ओपन किया हूँ, लगता है ये तो बैटरी है नहीं, ये तो मेरे में तीन तीन दिया हुआ, ये बैटरी के जैसा यूज़ होता होगा या फिर कुछ और चीज़ होगा, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं देखूँगा तो फिर आगे कॉमेंटर में पूछेगा तो मैं बता दूंगा क्या है। तो और मैं इसका लुक के बारे में बात कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं इसको जैसे खोला हूँ ऐसे लगा देता हूँ, उसके बाद मैं आगे का बात डिस्कशन करूँगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बड़ी ही आसानी से लग गया, और सबसे बेहतरीन ये है दोस्तों, इसको हम कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। सबसे पहले इधर आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर से प्रिंट देने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो, और इसको मैं बंद कर देता हूँ। और इसका देख पा रहे हैं इधर से ये पावर केबल मैंने लगाया हुआ हूँ, पावर केबल देख रहे हैं। और उसके बाद मैं और भी इसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, जैसा कि मैं एक बार और प्रिंटर को ऑन कर देता हूँ, और आप देख पा रहे हैं यहाँ से आप आसानी से रिप्लेस कर सकते हो इसके कार्टिज को। मैं कल कार्टिज खरीद के रिप्लेस कर दूँगा, आप अगर ये प्रिंटर लेना चाह रहे होंगे तो आप ले सकते हो, ये बहुत ही अच्छा और बेहतरीन प्रिंटर है। आप कार्टिज का मैं जैसा कि बात कर लूँ, एक बार मैं ये बता दिया हूँ कि 300 शीट्स प्रिंट करता है, और जो भी बात हो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो। तो जैसा कि आपको मैं बता दूं कि अगर आपको कार्टिज रिप्लेस करना है तो वो वीडियो आप देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, और या फिर मेरे चैनल पे आप देख सकते हो। अगर आपको इप्सॉन प्रिंटर के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो या हमें मेल कर सकते हो, आपको जो भी जानकारी चाहिए आप बिना किसी दिक्कत के आप हमसे पूछ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मदद करने में मुझे बहुत ही अच्छा लगे दोस्तों। तो मेरी मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरे ये क्वेश्चन थे खरीदे या ना खरीदे, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप एक शॉप पर हैं या फिर आपका फ़ोटो वाला शॉप है या फिर आप कुछ फ़ोटो प्रिंट करते हैं तो आप इसको खरीद सकते हो, ये बहुत ही बेस्ट और अच्छा है आपके लिए, बहुत ही अच्छा होगा और ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये मैंने आपको पूरा चीज़ बताया है, तो आपको लगा होगा कि ये आपके यूज़ के लिए है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें और लाइक करें, हो सके तो सब्सक्राइब कर दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं मोटिवेट हूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।